नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। एमए चिदंबरम स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता रहा है। यहां इस मैदान पर रन खूब बनते हैं। दो तिहरे शतक का ये गवाह ये मैदान रहा है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में बल्लेबाजों का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है और सहवाग ने इसी मैदान पर अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक लगाया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2008 में उन्होंने 319 रनों की पारी खेली थी। दूसरी सबसे बड़ी पारी भी भारतीय के ही नाम है। साल 2016 में करुण नायर ने इसी इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 303 रनों की पारी खेली थी। रनों के इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए जो रूट ने पहले टेस्ट मैच में ही दोहरा शतक ठोक दिया है। अपने 100वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड के इस कप्तान ने डबल सेंचुरी लगाते ही कई बड़े रिकॉर्ड बना और तोड़ भी दिए, पर एक रिकॉर्ड है जो तोड़ नहीं सके। धोनी का ये रिकॉर्ड है। एमएस चिदंबरम स्टेडियम में बतौर कप्तान एमएस धोनी ने सबसे अधिक 224 रन बनाए हैं। साल 2013 में धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 224 रनों की पारी खेली थी। 8 साल हो गए लेकिन कोई भी कप्तान इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने चेन्नई टेस्ट मैच की पहली पारी में 218 रन बनाए, मात्र 6 रन से चूक गए। शहबाज नदीम ने उनको LBW आउट कर वापस पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 377 गेंदों का सामना करते हुए 19 चौके और 2 छक्कों की मदद से उन्होंने ये पारी खेली। हालांकि आउट होने से पहले जो रूट ने अपने साथ कई बड़े रिकॉर्ड बनाकर लेकर गए। उदाहरण के तौर पर छक्के के साथ दोहरा शतक पूरा करने वाले जो रूट पहले इंग्लिश क्रिकेटर बने हैं। इसके अलावा अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक जमाने वाले वो इकलौते क्रिकेटर हैं। बताते चले कि दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने कप्तान जो रूट के दोहरे शतक के दम पर 8 विकेट पर 555 रन बनाए। खेल खत्म होने के समय डोमिनिक बेस 26 रन बनाकर जबकि जैक लीच 6 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम की तरफ से बेन स्टोक्स ने 82 रनों की पारी खेली, वहीं डोमिनिक सिबले ने 87 रनों की पारी खेली। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।